कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। 11 दौर की बातचीत के बाद भी अभी तक न तो सरकार कानूनों को रद्द करने को राजी हुई है और न ही किसान इससे कम में मानने को तैयार हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधते दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा का मानना है कि तीनों कृषि कानूनों की तरह सरकार का मन भी काला है। यही है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, उनके दिल में चोर है, उनका इन तीनों काले कानूनों की तरह मन भी काला है। वो नहीं चाहते ये कानूनों को वापस करें। किसानों को बार बार बुलाकर 10-11 बार हर बार बरगलाया जाता है, उनसे झूठ बोला जाता है। अगर ये हल निकालना चाहें तो ये तीनों काले कानूनों को निरस्त करें, ख़त्म करें और फिर आगे बढ़ें। हमारा अपना अभियान है, हम समय समय पर जो समय की पुकार है उसके मुताबिक अपना अभियान रखते हैं, चाहे सदन में हो, अब सेशन भी आ रहा है, विधानसभा का भी और संसद का भी, हर जगह हम अपनी बात रखेंगे। अपनी बात का मतलब है जन की बात, किसान मजदूर की बात, उस बात को उठाया जाएगा सदन में भी और नीचे जहाँ भी ज़रूरत पड़े। हम और हमारे साथी, आपने देखा है, निरंतर लगातार किसानों के मजदूरों के साथ खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। बैठे हुए सरकार ने एक प्रपोजल दिया है कि इसको 1.5 साल के लिए, 1 साल के लिए इसको स्थगित कर दिया जाए, इस पर आप क्या करना चाहिए? देखिए, ये किसानों की और उनके बीच की बात है, किसान संगठनों से उनकी बातचीत चल रही है, अब उनका क्या रिस्पॉन्स होगा वो उनका है। कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड है कि ये तीनों काले कानून रद्द किए जाएँ। आज की बैठक से उम्मीद लगती है? ये तो सरकार आगे बताए कि उम्मीद वो क्या देना चाहते हैं। इस तरह की बातें ना करके ठोस बात करें, कानूनों को, तीनों काले कानूनों को खत्म करें। अब तक जो बैठे थे उसमें किसानों ने मना कर दिया कि कानून रद्द होने से पहले हम कुछ मानेंगे। अब ये तो किसान और वो उनके बीच की बात है, मैंने कहा हमारा अलग स्टैंड है, कांग्रेस पार्टी का हमारा स्टैंड शुरू से अब तक यही रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत के लिए पूरे प्रदेश अब हमारे लिए ये प्राथमिकता है, अब जल्दी ही हम अपना संगठन बनाएंगे। बता दें कि हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा का ये बयान उस समय सामने आया है जब वो सिरसा में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने सिरसा गई थीं, जहां उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। शैलजा की माने तो कांग्रेस पार्टी ने समय की पुकार के मुताबिक हमेशा से आमजन की आवाज उठाई है और आगे भी किसान व मजदूरों के हितों की लड़ाई विधानसभा से लेकर संसद तक लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और भविष्य में भी खड़ी रहेगी। प्रदेश में कांग्रेस संगठन विस्तार को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि अब प्रदेश में कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी।